आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रेवी वाली मेथी की सब्जी। ये हरी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही पौष्टिक भी होती है। मेरी तरह से जब आप इस सब्जी को बनाओगे तो जिसे भी घर में मेथी पसंद नहीं है उसकी भी ये फेवरेट सब्जी बन जाने वाली है। लाजवाब ग्रेवी के साथ हम इसे बना रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसे बनाने के लिए मैंने ली है ये एक बंडल मेथी। इसे अच्छे से वॉश करके इनके पत्तों को अलग कर लिया है। मेथी को आप पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, जिससे इन पर से जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी। अब इसे हम कट करेंगे, तो यहाँ मैं इसे थोड़ा थोड़ा लेकर कट कर रही हूँ। सब्जी में डालने के लिए आप इसे बारीक या थोड़ा सा बड़ा काट सकते हो। ये जल्दी से कुक हो जाती है, तो आप इस तरह से इसे कट कर लीजिए। ये देखिए, सारी मेथी को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पैन में ले लीजिए आधा चम्मच ऑयल। इसे अच्छे से गरम करके इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन, दो से तीन मिर्ची डाल दीजिए। इन्हें ऑयल में 10 सेकंड भूनकर इसमें डालेंगे मेथी। मेथी को चलाते हुए पका लेंगे। यहां मैं पहले मेथी को पका रही हूं, बाद में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ऐसे सिर्फ लहसुन के साथ हम मेथी को पकाते हैं तो लहसुन का मेथी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी देर में ही देखिए मेथी श्रिंक हो गई है, बाकी की एक ग्रेवी के साथ भी पक जाएगी। तो आप गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में निकाल कर रख देंगे। अब ग्रेवी बनाने से पहले मैं जार में ले रही हूँ 10 से 12 काजू। इसकी जगह आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हो, लेकिन पहले आप उन्हें रोस्ट कर लीजिए। एक हरी मिर्ची डाल देंगे, 4 से 5 लहसुन की कली और एक टुकड़ा अदरक। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। ये हमें ग्रेवी बनाने में काम आएगा। अब पैन में गरम कर लीजिए 2 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को पहले अच्छे से तड़कने दीजिए। ये मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर बढ़िया से सुनहरा सा भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी सी इसमें हींग ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। सब्जी में इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। जब प्याज ऐसे सुनहरे से हो जाए तब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर। ये मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है। आप टमाटर को ग्राइंड करके भी इसमें ले सकते हो। ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर के साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार सब्जी में नमक ऐड कर दीजिए। इन सभी मसालों को मिलाते हुए टमाटर के साथ पका लेंगे। बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं मैंने इस सब्जी में। इनसे इस सब्जी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आने वाला है। टमाटर और मसालों को पकाने के बाद जब किनारे पर ऐसे ऑयल आ जाए तब इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। ये सब्जी में एकदम रिच फ्लेवर लाता है और इससे बनी हुई ग्रेवी के साथ मेथी की सब्जी का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। 2 से 3 मिनट ग्रेवी को भी पका लेंगे। अब ग्रेवी को पतला करने के लिए इसमें डालेंगे पानी। मैं उसी जार से पानी डाल रही हूँ जिससे बचा हुआ पेस्ट भी इसमें आ जाएगा। ग्रेवी को आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हो। अब इसे कुक होने के लिए 2 से 3 मिनट ग्रेवी को ढककर पकाएंगे, जिससे ग्रेवी में से ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा और ग्रेवी बढ़िया से पक जाएगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखिए इसमें से ऑयल बढ़िया से सेपरेट हो गया है। ग्रेवी का कलर भी पहले से चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई मेथी और इसे ग्रेवी में मिला लेंगे। ठंड के मौसम में हरी सब्जियां मार्केट में बहुत ही फ्रेश आती है,
तो आप भी मेथी की सब्जी को इस तरह से बनाइए, घर पर सभी को बहुत पसंद आएगी। ग्रेवी तो पहले से ही पकी हुई थी और मेथी को भी हमने फ्राई कर लिया था, तो बस एक मिनट और ढककर कुक कर लेंगे, जिससे मेथी ग्रेवी में बढ़िया से लटपट हो जाएगी। थोड़ी देर में ही देखिए, हमारी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को बनाकर गरम गरम पराठों के साथ या फिर ठंड में मक्का या बाजरे की रोटी के साथ सर्व कीजिए, और मेरी तरह से इस यूनिक सी मेथी की सब्जी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए।